हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू आवर चैनल। हाँ सो गाइस, आज है थर्सडे। देखो आदत नहीं है ना, पहली बार बोल रहा हूँ। राजा घर पे है क्योंकि लाइट का काम हो रहा है। लाइट 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 और हमने कलर भी चेंज कराया। राजा सही रहा। कौन माता पच्ची का था? गर्मी माता पच्ची करे नहीं, बात यह है कि उनने बोला और लाइट्स के बाद वो शायद सही हो जाएगा। अभी लाइट्स ऑन नहीं हुई है, बट आपको राजा जो है लाइट्स दिखा के आएंगे जल्दी से, क्योंकि मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। राजा लेके जाएंगे, आपको लाइट दिखाएंगे। फोकस कर दो, मेरी आँखें सूख गई। हम लोग जा रहे हैं पीछे वाले रूम में, इनके मेकअप रूम में। मैं आपको दिखाता हूँ लाइट, लाइट का काम चल रहा है। ये देखिए, लाइट पूरी लग गई है। अभी उनका कनेक्शन चल रहा है, तो शाम तक आज पूरा फिनिश हो जाएगा लाइट का काम। उसके फिर बाद पूरी लाइटिंग जला के हम आपको कंप्लीट अपना वीडियो दिखाएंगे कि कैसी लग रही है लाइटिंग और रूम कैसा लग रहा है। और कारपेंटर हमारा, कारपेंटर के घर में अपना के अपने भाई की लड़की की शादी है, इसके कारण वो संडे को आ पाएगा। तो संडे को आएगा, डिज़ाइन बताएगा, पूरा सामान बता देगा। मंडे तक हम लोग सामान ले आएंगे, तो ट्यूसडे से फर्नीचर वाला भी काम चालू हो जाएगा। उसके बाद वो एक आध हफ्ता 10 दिन चलेगा, तब कंप्लीट हो पाएगा पूरा रूम। तब तक घर ऐसे ही फैला रहेगा और शिवानी परेशान होती रहेगी। अरे ये देखिए, ये यहाँ बैठी है, ये भी कुछ काम कर देंगे। आ गए हम लोग, आप देखा है चीजें। ये चूड़ियों के पास कहाँ से आई? मेरी जो हाउस हेल्पर है उसका भी फिलहाल कुछ नहीं पता है वो कहाँ है। वो लेट हो गई आज काफी, और घर जो है वो फैला हुआ है। मैं भी घर साफ करती हूँ, कपड़े तय करने, मुझे टेबल साफ करनी है। मुझे कल मेरा एक पैकेट नहीं मिल रहा था, मतलब एक कार्टन नहीं मिल रहा था। और उसके बाद मैंने ढूंढा और उसके बाद जाके वो मुझे कहीं मिला है, तो वो नहीं मिल रहा था। और मुझे अभी खाना भी बनाना है, और मेरे को आज थोड़ा सा शॉपिंग पे भी जाना है, लाइक घी लेने और थोड़ा बहुत घर का ही राशन शॉपिंग वगैरह वो सब काम करने जाना है मुझे। और राजा ने आपको दिखाई दिया है कि क्या क्या है, तो चलिए मैं थोड़ा सा एडिटिंग का काम है उसके लिए जो फाइल्स है वो अपलोड करने लगा रही हूँ। और फिर हम लोग चलते हैं किचन में और कुछ बना लेते हैं। बर्तन साफ नहीं है क्योंकि वो आई नहीं है, मैं कुछ पुरानी कढ़ाई में बनाती हूँ खाना। सो गाइस, मैं आ गई हूँ रसोई में और बना रही हूँ खाना। मेरी जो हाउस हेल्पर है वो अभी तक नहीं आई है, वो कभी भी आएगी या क्या है मुझे कुछ पता नहीं रहता उसका। आज फिर मेरा बड़ा दिमाग खाती है जबकि काम फैला हुआ है, उसके बाद भी ये नहीं है कि वो टाइम से आके जो काम है वो करवा दे और कुछ बोलो तो फ्री होता है। और बात यह है कि हटाने की बात, उसे ना 1 साल हो रहा है अब लगाए हुए ना, तो एकदम से बहुत पुराना इंसान लगाया हुआ, हटाया भी नहीं जाता। तो देखते हो, और मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है एक हाउस हेल्पर मिलना बहुत मुश्किल होता है। सीरियसली सही है, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बना रही हूँ अभी आलू प्याज की सब्ज़ी, और मैं बनाऊँगी पराठे और चाय। चाय सुबह से नहीं पी, राजा ने भी नहीं पी, मैंने भी नहीं पी। एक नाश्ता टाइप का और अचार हो जाएगा, जैसे लहसुन का, राजा को मीठा अचार खाना है वो या कुछ भी। तो अब मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले ये काफ़ी अच्छा लगता है पता है, ये वाला नाश्ता जैसे पराठे के साथ आलू प्याज की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। मैंने प्याज और मिर्ची काट के रख ली है। कहाँ बना रही गुड़िया? ना जब खाना खा ना रहा हूँ, बस बना रही हूँ।
लाइट्स हैं वो लग गई हैं। लाइटिंग का जो काम है वो हो गया है, इन्वर्टर भी यहाँ से चला गया है, सीढ़ी नीचे चला गया है, रूम पूरा क्लीन हो गया है। दो अलमारियां हैं, जब यहाँ की बन जाएंगी तो उस कपड़े शिफ्ट होंगे तो ये वाला काम हो जाएगा। तो अब जो मेन काम है वो बचता है लकड़ियों का, ये इको में आता है पता है। चलो माइक में ये वाला गाना गाती हूँ राजा के लिए। ये है गाना मिस्टर मयंक सिंह के लिए, मेरी आवाज गूंज रही है। ये गाना मैंने विदाउट माइक गाया था तो मैं कोशिश करती हूँ माइक के साथ शायद अच्छा आए, विदाउट माइक काफी अच्छा आया था। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था सौ दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ हैं सदा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि तू है हीरो मेरा, कि तू है हीरो मेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। कुकू छे मन सांस समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया। ओ मन सांस समंदर डोल गया जो तू तेरी हो गई यार सजना बे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना बे सजना। पता है एक हम लोग कॉफी हाउस में थे, एक लड़के ने एक लड़की ने गाना गाया था बहुत अच्छा, ये वाला वो लगाया था ना इसी का, भीतर भीतर आग जले बात करो तो सीत लगे, मेरी जान निकल गई दैया रे अंग पे ऐसे छाल पड़े। जवां पे लगा जी लगा जी जवां पे लगा, जवां पे लगा लग रे नमक इश्क का है रे नमक इश्क का। लग रहा है ना ऑर्केस्ट्रा में गा रही हूँ, वो कुछ गूंज भी है। तो अब हम लोग चलते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं, जल्दी चलो ना फिर कब मिलोगे, हम लेट हो रहे हैं, बाय बाय हम लेके चलते हैं आपको अपने साथ। कहाँ आप लेके जा रही हो अपने साथ, हम लोग जाएंगे पहले चौगाले के पास फिर जाएंगे विशाल मेगा मार्ट। बॉय राशन शॉपिंग करी है तो मैं विशाल नहीं गई। क्या हुआ, मुझे राशन लेना था तो फिर मैं मार्ट चली गई और वहाँ से जो राशन था वो ले लिया। विशाल ने मुझे राशन नहीं पसंद आता है तो जहाँ से मैं राशन लेती हूँ वहाँ से लिया, क्योंकि बहुत सारा सामान था जो ख़त्म हो गया था। मेरी फिनाइल भी ख़त्म हो गई थी, हारपिक ख़त्म हो गया था और क्लीनिंग का सामान और डिटर्जेंट ख़त्म हो गया था, मेरा यूटेंसिल क्लीनर क्लीनिंग बार ख़त्म हो गया था और बहुत सारी चीज़ें थी।
मेरे को लगा यार शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि राजा भी हर दिन बिजी रहते हैं, फिर वो लेट आते हैं, तो बेटर था और संडे था वो मैं यूटिलाइज नहीं कर सकती थी। शायद इस बार इन लोगों को इंजेक्शन लगवाने हैं तो उसके लिए जाएं, या फिर संडे को कारपेंटर भी आने वाले हैं, तो अभी जो कारपेंटर हैं वो बोल रहे संडे को आएंगे। और एक तो जो है इन्हें जो जिनसे हमने रसोई का काम और बेडरूम का काम कराया था कारपेंटर से, वो आएंगे संडे को। एक्चुअली में क्या है, अभी शादी चल रही है तो जो मिस्त्री है उनके अंडर में जो काम करते हैं ना वो लोग अभी है नहीं यहाँ पे, इसीलिए वो संडे को उन्होंने बोला कि वो आएंगे। तो राजा ने बोला कि इस बीच में हम एक दो और देख लेते हैं, बट वो जो रेट लेते हैं उनका जो काम है, हमने जैसे रसोई का कराया है और वहाँ कराया है, तो उनका काम बहुत अच्छा है, मतलब एक भी हैंडल से लेकर कोई भी चीज़ जो है अपनी अपनी जगहों पे है, तो वो जो है संडे को आएंगे। तो मेरे को लगा कि इस बीच में मेरे कुछ हॉल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा वीडियोज़ हैं जो मुझे शूट करनी है, तो वो हो जाएगी, मतलब फ्राइडे और सैटरडे दो दिन फ्री मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ मैं जी आ गए और अभी मैं राशन जो है वो निकालूंगी, पर उससे पहले राजा कुछ कहना चाहते चल रही है, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चले रूम दिखा दे, इसने बोला कि ये दिखा देते हैं। देखिए देखिए पूरा अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए क्या बोल रही है, सफाई करने की बात कर रही है। मैं नहीं करूंगी, मैं करवा दूंगी। हाँ करवाओ ना, ये सब करवाऊंगी। हाँ ये सामने जो लाइट है वो कहाँ गई, कैसे बंद हो गई? यस ये वाली जो लाइट है वो चारों तरफ घूम जाती है, आपको जहाँ भी अपना एंगल करना हो, फोकस वाली लाइट है, सीधे जैसे अपना ये मेकअप करेंगे तो ऐसे फेस पे आएगी सीधे अपना। ये भी जितनी है सारी फोकस वाली लाइटें हैं। क्या हुआ? देखो मुझे क्या मिला? क्या मिल गया? इस सूटकेस में जो बाहर पड़ा था उसमें इतना बड़ा महंगा आउटफिट पड़ा था। ये देखिए कहाँ पे अपने ने इतना अच्छा अपना एक बार पहना है खाली दिवाली पे। देखिए मुझे क्या मिला, ये मैंने दिवाली पे लिया था, एक बार पहना है इनने बस अब ये, और वो भी दो साल, कितने साल पहले? 2016 की दिवाली पे एक बार पहना है, वो ऐसे डाल के रखा। देखिए क्या हालत हो गई, इतने महंगे सूट, इतना महंगा, इतना प्यारा लहंगा इनका, लहंगा नहीं सूट है क्या ये? हाँ, ये बतरा वाले के यहाँ से लिया था हमने, ये 7,500 का था। काश मेरे को आ जाए, मुझे नहीं मालूम जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना अरे लाइटें दिखा रहा था मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट। ये देखिए ये देखिए दोनों लाइट ने जला दी है मैंने, इसमें ढंग से दिखनी नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं। नहीं ये देखिए ऐसे चेंज होती हैं, इसमें ब्लू भी जलती है, वाइट भी जलती है, और सिंपल वाइट जलानी है, ब्लू जलानी है। ये देखिए क्या मिल गया, ये लो एक और मिल एक गया हुआ। ये भी एक बार पहना हुआ, आपने देखा नहीं हुआ इनको, फिर से पहना हुआ इंडो वेस्टर्न। ये भी ये किस पे पहना था आपने? दिवाली, ये भी दिवाली पे पहना था। देखिए ये भी कहाँ कहाँ से अपना, ये तो बहुत ही महंगा, ये भी बहुत महंगा पीस था, बहुत महंगा था, काम बहुत अच्छा है। ये हमने लामा वाले के यहाँ से लिया था, इसका लहंगा भी रखा हुआ उसके अंदर। तो देखिए मेरे सूटकेस की हालत, इसने बाहर फेंक के रखा था, इसमें इतने महंगे आउटफिट और हालत देखी सूटकेस की, पूरा पेंट वेंट सब लग गया। डिस्ट्रैक्ट किया दूसरी बार मैंने राजा को। चलो आप अब लाइट दिखा दी, ये देखिए ये नई फोकस वाली लाइट है, ये भी ये इसकी लाइट आती है पूरी, देखिए आपको दिखाता हूँ नीचे ये आगे, ये देखिए ये नीचे पूरी ये वाली लाइट आ रही है, ये वाली लाइट है। अरे कोप लाइट तो बंद ही होगी। ये कोप लाइट, अब चलो सिर्फ ब्लू वाली जला दें। अब देखिए इंडो वेस्टर्न का लहंगा, ये देखिए ये इंडो वेस्टर्न का लहंगा मिल गया है इनको, इनको क्या हम कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें मिल रही हैं, अब सिर्फ ब्लू वाली लाइट जलाते हैं। अब देखिए अब कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा ये, कितना प्यारा ये सीलिंग पीओपी वाले ने बनाई, दिल करे यही रहते रहे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, कमेंट करके बताएं कैसा डिजाइन लगा आपको, लाइटिंग कैसी लग रही है। ये देखिए ब्लू ब्लू शिवानी, अरे
ब्लू हो गई है तो। मैं भी अपने आप को दिखाता हूँ, मैं भी तो देख लूँ कैसा दिख रहा हूँ मैं। हम वो है अवतार, अवतार, अवतार है हम। देखिए आप लोग कितनी मैचिंग पहनते हैं, कल दोनों ने ब्लैक पहना था, आज व्हाइट पहना है, कल ब्लू पहनेंगे। अल्लाह, कल ब्लू पहनेंगे। ओ किसी में नहीं, मैं भी ये किसी पे किसी ये बड़े खुश हो जाते हैं आज। नहीं खुश हो ना? बहुत खुश हैं हम। मुझे रात में सोने के लिए रूम मिला है। हाँ हाँ, एसी से मस्त ठंडा हो गया है रूम। हाँ। अब मैं ये बंद करके ये वाली जलाऊंगा, ये वाली सिर्फ गोल्डन जलाओ। अब गोल्डन जलाते हैं, अब सिर्फ गोल्डन जलेगी, मुझे दिखा दो तुम, मैं बता दूंगा। हाँ ये गोल्डन, वो आगे नहीं जल रही क्या? कहाँ की नहीं जल रही, देखो जल गई सारी जल गई। ये है गोल्डन लुक, ये गोल्डन लुक देखी, ब्लू लुक देखा, अब गोल्डन लुक। अब गोल्डन लुक, पहले फुल लुक देखा था आपने, फिर हमने आपको ब्लू लुक दिखाया, अब देखिए आप गोल्डन लुक। एक और आउटफिट, ये लो एक और मिल गया इनको। ये मेरा ब्लैक सूट के ऊपर का है, ये भी रखा हुआ था, मुझे मिल नहीं रहा था मेरे ब्लैक सूट के ऊपर का, तो एक कोट ही है उसकी। बाप रे, सूट केस में बहुत सामान था और ये सूट केस बहुत दिनों से बाहर पड़ा था और इसे कोई ले जाता मेरा बहुत सारा सामान चला जाता। अब कोप बंद करें तो एक ये कोप बंद करो, ये सिर्फ फोकस वाली लाइटें चल रही हैं। अब मुझे लगता है यहाँ पे एक टीवी और लग जाए, रखा हुआ ऑफिस में एक अपना, वो लगा देंगे लाके, क्या है इसमें। अरे नहीं, ये वाली बंद है, सारी चालू हो गई, ये वाली बहुत प्यारी फोकस वाली लाइटें हैं। यस, और देखना सुन, और वो दिख बहुत सुंदर रही है, ये बहुत अच्छी दिख रही है। जिनकी दो दो साल की वारंटी है, अगर अभी कोई भी लाइट खराब होती है तो आप, दो साल के अंदर कोई भी लाइट अगर खराब होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एक्सचेंज करना होगा। अभी तक जो खर्चा आया है वो बता दें। अभी तक का मेरा फॉल सीलिंग का एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरा खर्चा लिख के रखा है, हर चीज में मैं लिख के रखता हूँ जितना भी खर्चा है अभी तक का, फॉल सीलिंग का, पेंट का, इलेक्ट्रिशियन का, लाइटों का, टोटल मिला के 40,190 रुपीस खर्च हुआ है। यस, सही से बता रहा हूँ एकदम, 40,190 नहीं, जैसे पेंट भी इंक्लूडेड है। अब फिर आपके ऊपर उसमें ज्यादा शाइन नहीं होती है, होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितना ये मैंने ग्लैमर कराया, सिल्क का ग्लैमर। लाइट की जो कॉस्टिंग है वो आप कम कर सकते हैं, लाइट की भी कॉस्टिंग कम हो सकती है। अब जैसे ये जो मैंने लाइट ली है वो 500-600 की आती ली है मैंने, जो वो 300 की भी आती है, तो वारंटी भी रहती है, वारंटी भी रहती है, लेकिन कंपनी इसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट कम होती है। मैंने पहले पता कर लिया था, बहुत सारी मैंने 8-10 दुकानें पता करी, फिर हमारे यहाँ पे अंधेर देव है वहाँ पे अपना थोक का सामान मिलता है, तो मैंने अच्छी क्वालिटी की थोक के सामान से दुकान से ली है, लेकिन अच्छी कंपनी अच्छी क्वालिटी की ली है। तो अभी तक जो पड़ा है वो है 40,190, सब कुछ मिला दिया है टोटल मिला के। मेरे टोटल में क्या है, मैं जितना भी मैं खर्च करता जाता हूँ, मेरे मोबाइल में नोट है उसमें मैं लिखता जाता हूँ, आज मैंने पूरा कंप्लीट इसका मैंने टोटल किया तो 40,190 हुआ है। और अब बचता है इसका काम, अलमारी का, तो अलमारी का कितना जा रहा है, एक छोटा सा एस्टिमेट बता दो। आई थिंक सो 50,000 तो जाएगा, अलमारी जाएगी 50 प्लस, अलमारी मिरर एंड यहाँ का जो टेबल है, हाँ 50 प्लस, और कारपेट मिला लो कि नहीं मालूम होगा, और उसके बाद कर्टेंस भी आने हैं, और फिर कुछ काम है छोटे छोटे और फिर सजाने वाला, तो 50 प्लस जा रहा है कारपेट, 40 हो गया, 50 हो गया, 10 और लगा लो, 1 लाख जाएगा आपका पूरा टोटल हमारा इस रूम के लिए जाएगा। और जिसमें रूम जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, पर अब बड़ा लग रहा है ये, क्योंकि हम बेडरूम में कराने वाले हैं, तो बेडरूम में मालूम नहीं है कितना जाने वाला है। हाँ, क्योंकि हमारा जो बेडरूम है वो हॉल से बड़ा है, बहुत बड़ा है, हॉल से बड़ा है। एक्चुअली में हॉल में इतना वो नहीं है, बेड ही बड़ा है वहाँ पे, और जो सामान रखा है, बेडरूम हॉल से बड़ा है, ये रूम सबसे छोटा था, बट ये रूम फिलहाल बड़ा लग रहा है, बड़ा लग रहा है ना, ये वाइट से बड़ा हो गया है रूम, अच्छा लग रहा है रूम। तो ये हुआ है जिसमें कुछ कुछ प्लग्स भी लगवाए हैं, ट्यूबलाइट भी लगवाई है ये वाली, पहले यहाँ पे ये वाली ट्यूबलाइट लगी थी, और ये चार्जिंग प्लग्स लगे हैं, जो इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ था ये पूरा क्लीन हो गया, यहाँ पे मैट लगेगी, ये मार्बल है,
वैसे मैट ना भी लगवाएं तो चल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे नहीं, मैट लगवाएंगे अच्छा जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा हमारा, वही तो हो जाएगा ना, मैट मैट होती है। हां और जो इन बस एक चीज, बट एक चीज अच्छी हुई जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी बच गई, एक थी वो उसके कारण कि हमें एसी नहीं खरीदना पड़ा, क्योंकि एक्स्ट्रा एसी हमारे पास था जो मैंने मेकअप रूम में बहुत पहले से लगवा के रखा था, मैंने मेकअप रूम के लिए नया लिया था जो कि हमने बेडरूम में लगा दिया था, तो एसी की कॉस्टिंग बच गई है पूरी पर से, और रूम बहुत मस्त ठंडा है फिलहाल, यहाँ पे पसीना भी नहीं आ रहा है। यहाँ बैठ के हम लोगों की अपना चैट्स हुआ करेंगे, लाइव बैठ के हम लोग लाइव आया करेंगे, यहाँ पे शिवानी मेकअप करेगी, ये हमारा ड्रेसिंग रूम रहेगा, तो हम लोग तैयार भी यहीं पे होंगे, हम टीवी देखेंगे, ऐसे ही तो लोग खुश हैं। प्यारी कच्ची वाली किसी कर लेंगे, चिंचन टाइप बोलेंगी अब थोड़ा सा, बन गया, कैसा बन रहा, कैसा लग रहा है चिंचन आपको? बहुत अच्छा, ये देखिए गाय आनी चाहिए। मैं पता इनसे ना बहुत दिन से कह रही थी अब बनवाना है बनवाना, तो हम लोगों की हिम्मत नहीं होती थी, रूम इतना फैला हुआ था, याद है कितना फैला हुआ था, बस एक बार ये और बन जाए बस। लेकिन आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा, थोड़ा आज खुश है, बम फोड़ लिया जाए, कहां है कुछ नहीं है, फोड़े शुरू में वीडियो में दिखा देना, रूम बनने की खुशी में, रूम बनने की खुशी में बम फोड़ेंगे। हाँ हाँ चलते, तो यहाँ से एक और एंट्रेंस भी है, अभी यहाँ पे देखिए अब इन्वर्टर लग गया है मशीन पे, उन लोगों ने मशीन घुमा दी है मेरी, पूरी सामान पूरा ऐसे ही पड़ा है, पर जो भी सफाई थी वो मैंने फिर भी कर दी है, थोड़ी बहुत सफाई है वो करनी है, तो इन्वर्टर यहाँ लग गए, अब देखते हैं फर्स्ट निकलता है कि टूटते हैं। और यहाँ पे कर्टेंस लगे धोने वाले, ये गेट है, ये हम लोग का मेन डोर है जिससे हम लोग जाते हैं, और यहाँ से जा रही है सीढ़ियाँ, और हम लोग जाते हैं ऊपर, और ये हमारा एक और वॉश बाथरूम है, इसको नहीं बनाने वाले हम लोग, इसमें थोड़ी बहुत काम है वो कराना है। मामा, मामा, मामा। तो ये बम नहीं है एक्चुअली में, ये वो है, आतिशबाजी है, ये आतिशबाजी है। हाँ, तो बम फोड़ लिए, खुश हो गए हम लोग आज, लेट्स गो एन एन ऑल्टो, कहाँ है ऑल्टो, आई डोंट नो, हमारे पास ऑल्टो नहीं है, फिर भी ये राजा और मेरा फेवरेट डायलॉग है, कि डायलॉग है, ये देखिए हम फिर से आ गए अपने रूम में, आ गए खुश, ढिंक चुका, बम फोड़ लिए, ढिंक चुका, ढिंक चुका, चुका खुशी हो रही है, मजा आ गया, मजा आ गई। कैसे लगी आपको आतिशबाजी? देखिए क्या आया है, जैस्मिन का रूम फ्रेशनर, रानी मार दे यहाँ पे, हाँ। थिशों। तो ये सामान लेके आए हम लोग अभी खर्च होने का, तो ये एक है हार्पिक की बॉटल, ये है टॉयलेट क्लीनर, क्या है ये, और क्लीन करने के लिए कुछ, और उसके बाद है ये पतंजलि का हैंड वॉश, ये है लाइजॉल, मेरा फिनाइल खत्म हो गया था पूरा, ये अभी सफाई वफाई के चक्कर में और बिल्कुल काम नहीं पड़ा, ये है पतंजलि के डिश वॉशर, और ये पतंजलि का एक लाती हूँ मैं एक्स्ट्रा इनके जीन्स के लिए, और ये है, अरे अब ले आए ना, कोई लग रहा था कुछ भूल गई, एक्चुअली मैं चीजें खत्म हो रही थी, ये टॉयलेट पेपर क्यों आए हैं, टॉयलेट पेपर नहीं टिश्यू पेपर, जैसे पूरी पकौड़े वगैरह आप सेक दे तो दांत गोरे हो जाते हैं। कौन कौन को पसंद है यानी मीठी सॉफ्ट्स, कितनी होंगी यार इसमें, आई डोंट नो कम लग, ये कभी कभी लाइटर नहीं चलता है गैस का उसके लिए, और ये है इनकी सॉफ्ट, ये बेकिंग पाउडर मुझे लग रहा था उतर गया है, एक और सॉफ्ट, भूखे थक गए, ओरियो ये लाए हैं, देखिए ओरियो के बिस्किट लाए हैं, मैं केक बनाऊंगी इससे, चॉकलेट केक बनाने की ये चक्कर में है, देखिए कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा, ये देखिए ये है टूटी फ्रूटी मैंगो फ्रूटी टूटी फ्रूटी, ये क्या है, अच्छे से मैं ही, टूटी नहीं तो, ये कौन ने रखे,
आई थिंक किसी के साथ फ्री थे और उसने टूटे हुए रख दिए। किसके साथ फ्री है? नहीं मालूम, ये तो पूरा टूटा हुआ है, इसे चाय के अंदर डाल देंगे। 50-50 ब्रिटानिया 50-50 लगा दो सामान ना। ये रहे मेरे चॉकलेट हाइड एंड सीक बिस्किट्स, मैं सामान लगाती जा रही हूं। गेट अच्छा इसके साथ फ्री है, टूटा हुआ दिया है, टूटे इसके साथ टूटे हुए बिस्किट। ये देखिए, ये है सनफीज के नाइस बिस्किट जो इनके फेवरेट है, मेरे फेवरेट चाय और ये बादशाह हो बादशाह बादशाह रे पोहा, ये है बादशाह का पोहा। ये पता है लगता है जैसे प्रमोट कर रहे हैं, कुछ भी प्रमोशन का सामान नहीं, हमने पैसे से खरीदा है ये। हो ये देखिए, ये क्या है बताइए आप लोग, गेस करिए कमेंट से, गेस करिए कमेंट से चलिए ये क्या है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा क्या है, इक्लेयर्स गोल्ड का पैकेट है। ये एक टू पॉपकॉर्न फैमिली पैक क्लासिक सॉल्टेड क्यों लाए हो? मेरे को बटर वाला मिला है ये इनका डब्बा है, तो इसमें ये है शुगर बॉक्स इनका, अभी मैंने भर दिया था शुगर बॉक्स। मजेदार चीज हुई, पता है आपको क्या हुआ, बता रही हूँ वो क्लिप मैं डालूंगी ब्लॉग में, इससे पहले डाल दूंगी, इस बात से पहले। होता है बे, होता है ना, ये लोमी टाइप का लग रहा है। गाइस पता है इसको क्या, मैं क्लिप डालूंगी वो वाली, और वो वाली इंटरेस्टिंग चीज हुई थी। तो एक्चुअली मैं वो ही वाली रोड वाली, एक्चुअली में क्या हुआ, ये ना सही में अपना इतनी बड़ी वाली, हम लोग क्या है MR4 रोड है यार, वहीं से आ रहे MR4 रोड से जा रहे थे, तो वहां पे एक कुत्ता अपना ऐसे सो रहा था आराम से, तो हम लोग ऐसे ऐसे अपने सही साइड से जा रहे थे, तो बोलती है ये वहाँ पे लोमड़ी बैठी है। मैंने बोला लोमड़ी कैसे हो सकती है, सो रही थी, सो रहा था मतलब कुत्ता, इनको लगा लोमड़ी है दूर से। मैंने सेकंड उस साइड से हम लोग वापस ऐसे लौट के आए देखने के लिए, तो वहाँ पे दूर से ऐसा ही लग रहा था कि लोमड़ी सो रही है, पास में जाके देखा कुत्ता निकला, मैंने उसको हट हट किया तो वो भगा, तो लगा कुत्ता है, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। यही हुआ था, तो क्या हुआ, मैंने घुमा के लाई हूँ यार, नहीं यार लोमड़ी है लोमड़ी, और मुझे लोमड़ी को देखने की इतनी एक्साइटमेंट थी। और वो उसके अपना शूट भी किया है, वो आपको दिखा हाँ, मैं इसे पहले क्लिप में डाल दूंगी, ऐसे बार डाल दूंगी कि हुआ क्या। लोमड़ी तो बड़ा ही मजा आया, दिखी थी इसीलिए मुझे लगा, पर राजा कह रहे थे कि लोमड़ी अगर है तो वो इतना आराम से सो कैसे रही है, तो मैंने थोड़ा गूगल के पास, अभी घर में मैं नहीं ला सकती इसलिए ब्लॉग में नहीं आ रहा है। आप लोग वो बोलो तो फराटे मारता ही रहता है, वो बोलो तो और आता भी रहता है, तो अभी भी आया था एक दिन पहले, तो एक बार जो घर का जो काम है ना वो निपट जाए। अभी देखिये अब वही तो है ना, कहाँ पे ले आए, हॉल जो है वो पूरा मेसी है, वो है रूम में तो पता नहीं क्या पड़ा है, बाहर पूरा वो चूना वाला दोबारा से हुआ, वो सब कुछ पड़ा हुआ है, वो आलू ने ड्रिलिंग वगैरह की है वो सब पड़ा हुआ है, बसता है बेडरूम, बेडरूम जो है वो गूगल के कब्जे में है, सॉरी बोझो के कब्जे में है, और गूगल के कब्जे में जो इतना बड़ा रूम है, गूगल के कपड़े में कपड़े नहीं कब्जा। मैं आपको स्टेयर्स पे दिखाती हूँ, स्टेयर्स पे घूम लेगा वो जो कूदता होता है ना, तो वहाँ पे हम लोग मिल लेते हैं, और उसके बाद मैं करूंगी इस ब्लॉग को। ये देखिए गूगल का इतना बड़ा डब्बा पानी का, एक्चुअली में क्या है उसके तीन डब्बे रखते हैं, वो हाँ। सारा पानी पी जाता है या वो फेंक देता है, पता नहीं गिरा देता है वो कुछ ना कुछ करता है। तीन डब्बे पानी ऐसे गायब होते हैं पूछे में, तो उसका एक पेट वाला भी है, एक नॉर्मल वाला डब्बा भी है, तो पानी जो है इन लोगों के पास हम इतना रखते हैं कि इन्हें पानी की कमी ना हो, जैसे हम कभी चले गए बाहर या कहीं है एक दो घंटे बाहर है, तो एक बोलते ना भूख खाना ना मिले पर पानी जो है वो रखना चाहिए, उसी तरह से बालकनी में मैं
तीन छोटी छोटी कटोरियाँ पानी की रखती हूँ। मेरी बालकनी गंदी होती है, मुझे पता है चिड़िया आती है और वो थोड़ी गंदी भी कर देती है, बट पानी रखना चाहिए। अगर जो जो नहीं रखता है प्लीज, गर्मी बहुत हो रही है, तीन कटोरी या एक कटोरी बाहर अपनी बालकनी में, आपका जो बरांडा है वहाँ पे जरूर रखिए। क्या है ना, थोड़ा पुण्य भी मिलता है और अच्छा भी रहता है। मतलब गर्मी इतनी हो रही है क्योंकि लोग तो प्याऊ लगवा के रखते अपने घर भर के सामने, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं राजा से कह रही थी कि राजा पता है हम लोग भी अपने घर के सामने ना दो मटके ला के रख देते हैं और उसमें डेली पानी भर के रखते हैं, कोई जा रहा है उसे प्यास लगी है तो कम से कम यह है कि वो पानी पी पाए। ये रहा गूगल, इसको भी लग रहा था बस हम लोग का घर फैला हुआ है इसलिए, अभी मैं छोड़ दूँ ना, हम लोग का घर फैला हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, वरना ये छोटा छोटा कहाँ जाएगा। इसे कीड़े साफ हुए हैं, इसे कीड़े जो है वो निकल गए हैं। दवाई से, दवाई से, दवाई से कीड़े निकल गए, नहीं कि तो कीड़े निकल गए दवाई से। हाँ, आ बच्ची, बच्ची, ओहो, ये मेरा दीवाना है। मेरे घर में सब मेरे दीवाने हैं। So guys, यहाँ पे कर रही हूँ मैं इस ब्लॉग को एंड, बहुत दूर हूँ मैं। वो मेरे बिना कहीं नहीं जाएगा। तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड, हम आपसे मिलते हैं कल विद अ न्यू वीडियो, और इस वीडियो को बहुत सारी लाइक दीजिएगा और हम लोग का जो रूम है वो आतिशबाजी कैसी लगी। हाँ, और राजा ने आज ब्लॉग संभाला है वो कैसा लगा, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी कल ब्लॉग करने के लिए, बाय बाय।